प्रयागराज में जो कुछ अंग्रेज़ों के नाम पर था, जिन्होंने हमें ग़ुलामी दी और आज भी उनके नाम हमारे क्षेत्र में चल रहा है दिया हुआ, जैसे जानसेनगंज का नाम चल रहा था, तो जानसेनगंज का हमारे हाई कोर्ट की भी एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए और सदन की सहमति से उन नामों को रखा गया है। जैसे जानसेनगंज का नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के नाम से रखा गया है। इसी तरह लेप्रोसी चौराहा एक है नैनी का, उसका नाम जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम रखा गया है। और क्लाइव रोड जो है वो, उसका नाम भी अतुल महेश्वरी जी, एक समाज सेवी थे और संपादकीय के क्षेत्र में एक बड़ा नाम थे, उनके नाम से रखा गया है। और उसके अलावा हमारा कालिंदीपुरम चौराहा जो है, उसका नाम वीर अब्दुल हमीद जी के नाम से रखा गया है। बांगड़ धर्मशाला से जो हमारा फ्लाईओवर जाता है आगे तक पूरा झूसी के लिए अलोपी तक, उसका नाम हमारा शहीद रोशन सिंह जी के नाम से रखा गया है। रामबाग फ्लाईओवर का नाम हमारे शहीद भगत सिंह जी के नाम से रखा गया है। और इसी तरह कुछ और साहित्यकार हैं, उनके नाम से भी रखे गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो साहित्य, समाज और राष्ट्र के लिए काम किया है उनके नाम से, और ख़ासकर नैनी का नाम, नैनी का नाम बहुत दिन से नैनी नैनी जिसका कोई अर्थ नहीं था, तो नैनी का नाम हम सब ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से किया है। और जो हमारा नया एयरपोर्ट बमरौली का बना है वो अंत्योदय की योजना को जिन्होंने पूरे मूर्त रूप में दिया, और हम सब आज उस योजना को कहते हैं कि अंतिम हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे कथन है। और अंत्योदय अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए लोगों को लाभ मिलना शुरू हुआ है मकान के रूप में, तो उनके नाम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से किया गया। वैसे बहुत सारे हैं, घनश्याम दास केसरवानी जी का भी नामकरण किया गया है 60 फीट चौराहे के नाम से। और हमारे बहुत सारे कवि हैं, एक हमारा मुट्ठीगंज का इलाका था जो, उसका नाम सालीग्राम जायसवाल जी के नाम से किया गया है। तो जो हमारे समाज सेवा किया, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के लिए आगे बढ़ाने के लिए, और ख़ासकर जो हमारे अंग्रेज़ों के ज़माने के रखे हुए नाम थे उनको हटाने का काम किया गया, और शहर को भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल के रूप में जो उन लोगों ने काम किया उनके नाम किया।